हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर टू होल नंबर्स में आज हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर होल नंबर्स, होल नंबर्स हम किसे कहते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। एज वी नो, वी यूज़ 1, 2, 3, 4 व्हेन वी बिगिन टू काउंट। काउंटिंग जब हमने स्टार्ट की थी छोटी क्लासेस में, तो हम काउंटिंग किस तरह से करते थे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से हम काउंटिंग शुरू करते थे, यानी कि 1 से काउंट करना शुरू करते थे। अगर आपके पास कोई 1 ऑब्जेक्ट है तो आपने काउंट किया इसे 1, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपने काउंट किया 2, इस तरह से, और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3, इस तरह से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी थी। सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इट कम्स, दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग, हैंस मैथमेटिशियंस कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स। तो इनको कहा, क्योंकि ये दे कम नेचुरली, 1, 2, 3 एक एक आइटम बढ़ता जाएगा तो हम उनको ऐसे काउंट कर सकते हैं, सो दे कम नेचुरली, सो दे आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बोलेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इट मीन्स इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर आप कहें कि कोई नंबर ऐसा नहीं, आगे बस चलते जाएंगे, जो भी नंबर होगा वो सब नेचुरल नंबर्स में आएंगे। नेचुरल नंबर्स मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि कोई भी नंबर या काउंटिंग स्टार्ट करें हम 1 से, और उसका एंड तो है ही नहीं, काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता है, देयरफॉर वी राइट इट लाइक दिस, इन्फिनिटी। तो 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, सो फ्रॉम 1 नंबर देन नेचुरल नंबर स्टार्ट्स, नेचुरल नंबर वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 1 से। नाउ इफ, अब यहाँ अगर देखें कि 1 से पहले क्या नंबर होना चाहिए, अगर 1 कोई आइटम है तो हम बोल देते हैं 1, लेकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो हम उसको क्या काउंट करते हैं, 0, नथिंग, 0 इज फॉर नथिंग, यानी कि कोई आइटम नहीं है उसको हम काउंट क्या करेंगे, 0, दैट 0, यहाँ से 1 से पहले वाला 0। सो अगर हम कहें कि इसको नंबर 1 से पहले 0 आता है, क्योंकि नथिंग भी कोई चीज़ होती है, तो अगर हम काउंटिंग करेंगे कोई चीज़ नहीं है तो इट काउंट्स एज 0, 0 काउंट होगा, तो हम इसको लिखेंगे 0, 0, 1, 2, 3, इस तरह से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये भी अप टू इन्फिनिटी जाएगी। तो इट मीन्स नंबर्स इन विच 0 इंक्लूडेड, जिसमें कि नंबर 0 भी इंक्लूड हो, 0 डिजिट भी इंक्लूड हो, दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स, उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। इट मीन्स नेचुरल नंबर तो हो गए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया तो दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है एंड दैट विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दे विल बी होल नंबर्स, वो होल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 5 एंड 4। गिवन एनी नेचुरल नंबर, यू कैन ऐड 1 टू दैट नंबर एंड गेट द नेक्स्ट नंबर, दैट इज यू गेट इट सक्सेसर। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है उसमें प्लस 1 कर देंगे, यू विल गेट इट्स सक्सेसर। अब देखते हैं यहाँ पे द सक्सेसर ऑफ 16, 16 का अगर सक्सेसर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 16 प्लस 1 17। सक्सेस मीन्स आगे, तो आगे की तरफ लेने के लिए प्लस 1 करना होता है। अगर किसी भी नंबर का हमें सक्सेसर चाहिए तो उसमें प्लस 1 करना है, यहाँ पे हमने किया 16 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 17, सो 17 विल बी द सक्सेसर ऑफ 16। अगर हमें 19 का सक्सेसर चाहिए तो 19 प्लस 1, दैट इज 20। इसी तरह से हम सबके सक्सेसर निकाल सकते हैं। द नंबर 16 कम्स बिफोर 17, वी से दैट द प्रेडिसेसर ऑफ 17
इज 17 माइनस 1 इक्वल टू 16। अगर हमें प्रेडिसेसर चाहिए, सक्सेसर के लिए हम प्लस 1 करते हैं, प्रेडिसेसर के लिए हम माइनस 1 करते हैं। प्री प्री मीन्स पहले वाला, तो यानी 17 से पहले का नंबर चाहिए तो माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो 16। नाउ द प्रेडिसेसर ऑफ 20, 20 का देखना है तो 20 माइनस 1 दैट इज 19। इस तरह से हम प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं। तो सक्सेसर में प्लस 1 एंड प्रेडिसेसर में माइनस 1। द नंबर 3 हैज अ प्रेडिसेसर एंड अ सक्सेसर, दोनों ही होगा। 3 नंबर का हम देखते हैं प्रेडिसेसर क्या होगा, 2, सक्सेसर होगा 4। व्हाट अबाउट 2, 2 का क्या होगा, यहाँ पे 3 नंबर था हमारा, उसका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर हमने निकाला है, ये प्रेडिसेसर हो गया, सक्सेसर हो गया। ऐसे ही अगर हम नंबर 2 का देखना चाहते हैं, 2 का देखेंगे तो इससे पहले प्रेडिसेसर क्या होगा इसका, 1, सक्सेसर होगा 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं द सक्सेसर इज 3 एंड द प्रेडिसेसर इज 1। डज 1 हैव बोथ अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर, 1 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर दोनों होगा, देख लेते हैं। 1 का प्रेडिसेसर क्या होगा, नहीं पता हमें, नथिंग, इट मीन्स 0। तो 1 का प्रेडिसेसर हुआ 0, सक्सेसर विल बी 2, बट प्रेडिसेसर यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 0, 0 विल बी प्रेडिसेसर ऑफ 1। नाउ ट्राई दिस, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स, ये नंबर्स हैं, इनके हम निकाल के देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम देखते हैं, 19, 19 का सक्सेसर मीन्स प्लस 1 करना है आपको, दैट इज 20। नाउ बी 1997, आपको प्लस 1 करना है, प्लस 1 किया आपने, 1998। नाउ सी पार्ट इसी तरीके से हमें करना है, आप क्या बना रहे हैं, सक्सेसर बना रहे हैं अभी सभी नंबर्स के, उसके बाद आप प्रेडिसेसर भी बनाएंगे, आपको हर नंबर का यहाँ पे बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप सक्सेसर बना रहे हैं अभी। इसके बाद 1200 प्लस 1 इक्वल टू 12001, दिस इज सक्सेसर। नाउ 49 प्लस 1 दैट इज 50 इज द सक्सेसर। नाउ 1 एंड हाउ मेनी टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0 प्लस 1 दैट विल बी द सक्सेसर, 1 0 0 0 0 and 1, दिस इज द सक्सेसर। इसी तरीके से हम प्रेडिसेसर भी निकाल सकते हैं, हमें माइनस 1 करना होगा और प्रेडिसेसर भी आ जाएगा। प्रेडिसेसर निकालने के लिए आप देख सकते हैं, हम प्रेडिसेसर निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे देखिए प्रेडिसेसर के लिए फर्स्ट पार्ट 19, 19 में माइनस 1 करना होगा प्रेडिसेसर के लिए, दैट इज 18। नाउ बी 1997 माइनस 1, सो 1996। नाउ सी पार्ट 1200 माइनस 1, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, तो अगर आपको इस तरह से माइनस करने ना आए तो आप इसे माइनस इस तरह से नीचे रख के भी कॉलम वाइज कर सकते हैं, माइनस करिए, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 हम यहाँ से बोरो कर कितने हुए लेके आ रहे हैं और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 9, 10 माइनस 1 9, ये भी 9, ये भी 9, ये 1 और ये 1, इट मीन्स इसका आ जाएगा आंसर 1199। नाउ डी पार्ट इज 49, 49 माइनस 1 दैट इज 48। इसी तरह से हमें ई पार्ट करना है, ई पार्ट 1 और 5 टाइम्स 0,
5 टाइम्स 0 माइनस 1, इट मीन्स आपको माइनस करके देख लेना है। तो माइनस जब करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 से हम बोरो करते हुए जाएंगे, सभी 9 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, फिर 9, फिर 9, फिर 9 एंड 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। तो ये आपका हो गया इसका प्रेडिसेसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है? आप यहाँ देखिए, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब यहाँ देख रहे हैं, हर जो भी यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है उनके पहले कुछ ना कुछ नंबर है यानी प्रेडिसेसर है, लेकिन यहाँ 1 का नहीं है। 1 में कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है नेचुरल नंबर्स में, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो। यहाँ पे हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि 1 ऐसा नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है। सो यस लिखना है आपको एंड इट इज 1। इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर। कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जिसका कि सक्सेसर ना हो, तो इसीलिए नंबर जो है वो उसका सक्सेसर ज़रूर होता है किसी भी नंबर का। इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई लास्ट हो सकते हैं? नहीं, इट नेवर एंड्स। नेचुरल नंबर्स का एंड नहीं होता है, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का एंड नहीं होता है, लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। होल नंबर्स, वी हैव सीन दैट द नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर इन नेचुरल नंबर्स। नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है नेचुरल नंबर्स में। टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स वी एड 0 एज द प्रेडिसेसर फॉर 1। तो नेचुरल नंबर्स में हम जब 0 को ऐड कर देते हैं प्रेडिसेसर, 1 का प्रेडिसेसर बनाने के लिए, अगर हमारे पास 1 नंबर है उसका प्रेडिसेसर 0 होता है, ये अगर कर दिया, जबकि 1, 2, 3 हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें 0 को अगर हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो इट मींस ये होल नंबर बन जाता है। द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स बन जाते हैं। नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस। आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? क्या सारे सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं क्या? यस अभी हमने देखा था कि 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं सारे नंबर्स, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। इट मीन्स कि जो भी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, क्या वो होल नंबर्स हैं? आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? यस सभी होते हैं। आर होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स? सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 0 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे बट 0 नहीं होगा। सो क्वेश्चन इज फॉर ऑल होल नंबर्स, तो नो। विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर? कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा? होल नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? तो इसमें हम ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते, कि होल नंबर तो हमारा आगे चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक, तो कोई भी एक लास्ट नंबर नहीं हो सकता। लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता, ऐसे ही होल नंबर भी लास्ट नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है। सो वी कैन नॉट डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, हम इसको लिख सकते हैं ये डिफाइंड नहीं है। नाउ इन प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न टू परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑन नंबर्स। हमने सभी ऑपरेशन किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन सभी किए थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन हम नंबर लाइन पर भी करने जा रहे हैं। सो वॉट इज नंबर लाइन? लेट अस फाइंड आउट वॉट इट इज नंबर लाइन। नाउ द नंबर लाइन, वॉट इज नंबर लाइन? ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट। एक लाइन बनाइए, उस पर मार्क करिए, लेबल इट 0, सबसे पहले 0 लिखिए। मार्क अ सेकेंड पॉइंट टू द राइट ऑफ 0, लेबल इट 1।
यानी कि आप अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन आपने ड्रॉ करी, तो इसमें कहीं पे एक पॉइंट मार्क करिए ज़ीरो, और उसके राइट से मार्क करना शुरू करिए। सपोज़ वन ले लिया, नेक्स्ट इज़ टू, थ्री, फोर, इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। तो लाइन बना रहे हैं हम, तो ये एक एंड पॉइंट हो गया, और इस तरह से हमने बनाना शुरू किया। अब यहाँ पे ये लाइन चलती ही जाएगी, आपको पता है कि लाइन नेवर एंड्स। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स लेबल्ड एज ज़ीरो एंड वन इज़ कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। ज़ीरो से लेकर एक वन यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा, कोई भी हो सकता है। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं आप तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर होगा तो मीटर्स में। सो इट इज़ वन सेंटीमीटर, इट इज़ वन सेंटीमीटर, नाउ दिस इज़ वन सेंटीमीटर, इस तरह से। ऑन दिस लाइन मार्क अ पॉइंट टू द राइट ऑफ वन एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड लेबल इट टू। इस तरह से हमने टू लेबल कर दिया है, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन, इस तरह से हम लेबल करते जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू एंड फोर। अब हमें डिस्टेंस अगर देखना है कि टू से लेकर फोर तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप इसमें देखिए किस तरह से कर सकते हैं हम। टू टू फोर, यानी आप काउंट करेंगे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक वन, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो टू, इट मीन्स वन एंड टू। सो टू यूनिट्स इज़ द डिस्टेंस, टू यूनिट्स डिस्टेंस हो गया टू से लेकर फोर तक। सो सर्टेनली इट इज़ टू यूनिट्स। कैन यू टेल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू एंड सिक्स। अब टू एंड सिक्स का अगर आप देखना चाहते हैं, टू एंड सिक्स का डिस्टेंस देखना है आपने, फाइव एंड सिक्स एंड सेवन। सो टू से लेकर सिक्स, वन, टू, थ्री, फोर, यानी कि टू से लेकर सिक्स तक फोर डिस्टेंस हो गया, फोर यूनिट्स। इसी तरह से टू से लेकर सेवन तक अगर करना चाहेंगे तो फाइव यूनिट्स। ऑन द नंबर लाइन यू विल सी दैट द नंबर सेवन इज ऑन द राइट ऑफ फोर। दिस नंबर सेवन इज ग्रेटर देन फोर, दैट इज सेवन इज ग्रेटर देन फोर। सेवन इज ग्रेटर देन फोर क्योंकि फोर के राइट में नंबर है सेवन। नंबर एट लाइज ऑन द राइट ऑफ सिक्स, सिक्स के राइट में एट है। यहाँ पे अगर हम और आगे एक्सटेंड करेंगे तो एट हो जाएगा। तो यानी कि जो भी हमारे किसी नंबर के राइट साइड में आते हैं, ज़ीरो के राइट में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ये सब एक ही डायरेक्शन में राइट साइड में हैं। इट मीन्स राइट नंबर अगर होगा कोई राइट साइड में, तो दैट विल बी द ग्रेटर नंबर इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट नंबर। सो एट इज़ ग्रेटर देन सिक्स, सिक्स ग्रेटर होगा एट। फॉर एग्जाम्पल फोर इज लेस देन नाइन, फोर नाइन से लेस होगा ऑब्वियसली, एंड बिकॉज फोर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ नाइन। सिमिलरली ट्वेल्व ग्रेटर देन फाइव होगा क्योंकि ट्वेल्व राइट साइड में है एंड फाइव लेफ्ट में, सो ट्वेल्व इज टू द राइट ऑफ फाइव। सो वॉट कैन यू से अबाउट टेन एंड ट्वेंटी। इस तरह से हमारे टेन, ट्वेंटी कोई भी नंबर होंगे उनके लिए भी हम बता सकते हैं कौन ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर और कौन सा लेस होगा। मार्क 30, 12, 18 ऑन द नंबर लाइन, विच नंबर इज़ द फारदेस्ट लेफ्ट। इस तरह से हम और भी नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। प्लेस द सक्सेसर ऑफ 12 एंड द प्रेडिसेसर ऑफ 7 ऑन द नंबर लाइन। इसको करते हैं, नंबर लाइन आपने एक बनाई, एक नंबर लाइन ले लीजिए, आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको प्लेस करना है सक्सेसर ऑफ 12। 12 का सक्सेसर क्या होगा हमारा, 13। 12 का सक्सेसर 13 होगा, तो ये हमने प्लेस किया है, ये हो गया। उसके बाद एंड द प्रेडिसेसर ऑफ 7, 7 का प्रेडिसेसर देखिए 6, ये हो गया। सो दीज आर ऑन द नंबर लाइन, 13 एंड 6 आर ऑन द नंबर लाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों इस वीडियो में हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और नंबर लाइन के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर लाइन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से करते हैं वो भी देखेंगे। स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस
और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइंडस्टोन।